guys, welcome back to my channel Fashion Lover Tanushri, and yes, I am Tanushri, and I hope you all are good and safe. And today I am going to share with you a very interesting and dhamakedar video. In this video, I am going to share with you two back-to-back makeup looks only using two makeup products. Yes guys, you have heard correctly. Only using two makeup products, I am going to create two different makeup looks, which is hot versus like sweet versus spicy makeup look. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगा. और ऐसा कुछ मैंने भी पहली बार ट्राई किया है टू मेकअप लुक बैक टू बैक एक ही वीडियो में, तो आई होप आप सबको अच्छा लगेगा. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, ये वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लोग लाइक दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना भी मत भूलिएगा. नीचे जो रेड बटन है उसे प्रेस करके आप लोग कर सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और उसके पास जो छोटू सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो. नाउ विदाउट गिविंग एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले मैं स्वीट लुक क्रिएट करने वाली हूँ, और इसके लिए मैंने दो प्रोडक्ट यूज़ किए हैं. वो एक है लिक्विड लिपस्टिक और दूसरा है कंसीलर. मैं कंसीलर को अपने अंडर आईज पे, नोज ब्रिज पे और ऑलमोस्ट पूरी फेस पे ही मैं इसको यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी फाउंडेशन वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इसी से मैं काम चला लूँगी फ्रेंड्स. अब मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी पूरी फेस पे, जैसे कि आप लोग देख रहे हो. मैं आईलिड्स पे भी थोड़ा थोड़ा इसको अप्लाई कर ले रही हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा डार्कनेस जो है, जो सब कुछ यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, मेरी लिप पे थोड़ा सा लिप बाम था उसको मैं थोड़ा सा हटा रही हूँ, क्योंकि लिप बाम के ऊपर लिपस्टिक उतना अच्छा नहीं लगता. तो इसलिए अब मैं लिपस्टिक को अप्लाई कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर का लिपस्टिक चूज़ किया है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि इससे मैं और भी दो तीन काम करने वाली हूँ, तो मुझे लगा ये वाला कलर सही रहेगा. तो सबसे पहले मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँ. अब इसको ही मैं एज अ ब्लश यूज़ करूँगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स. और आईलिड्स पे भी थोड़ा सा मैं इसको अप्लाई करूंगी एज अ आई शैडो. अब मैं एक आई शैडो ब्रश की हेल्प से आई शैडो को अच्छे से लिपस्टिक को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हो. ये लिक्विड लिपस्टिक है गाइस, तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसको हमें ब्लेंड कर लेना है, ताकि ये स्टिक ना हो जाए. अब उसके बाद मैं ब्लश को भी अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी. गाइज़ आप लोग देख सकते हो, जो ब्लश मैंने अप्लाई किया था वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर लिया है. अब आप लोग देखोगे कि जो कलर है बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा. मैं अच्छी तरीके से कंसीलर को ब्लेंड कर ले रही हूँ, और अब इसके बाद अच्छी तरीके से ब्लश का कलर आ जाएगा, और बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स. अब उसके बाद आप लोग देख रहे हो कि मैं जो कंसीलर है उसको अपनी लिप्स की एरिया के पास अप्लाई किया है, और थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हो अपनी फेस की साइड पे भी अप्लाई किया है, ताकि सब कुछ अच्छी तरीके से इवनली स्प्रेड आउट कर सकूं. और डीप कलर का लिपस्टिक है, तो इसलिए मुझे लग रहा था थोड़ा लिप्स के एरिया पर थोड़ा सा डार्कनेस था, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करके इसको ब्लेंड कर लिया. सो गाइज, दिस इज़ माई फाइनल स्वीट लुक, जैसा कि आप लोग देख रहे हो. और मैंने इसके साथ थोड़ा सा हेयर स्टाइल को भी थोड़ा सा क्यूट वाला बना लिया, एंड या दिस इज़ माई फाइनल लुक. सो इस लुक के लिए मैंने लिया है कंटूर हाइलाइटर पैलेट एंड लिपस्टिक. सो गाइज़, ये जो हमारा पैलेट है ना, ये हमारी काम को काफ़ी आसान कर देगा. अब सबसे पहले मैं कंसीलर वाला कंसीलर कह लो आप फाउंडेशन कह लो, ऐसी वाली एक शेड को पिक कर रही हूँ, और उसको अपनी पूरी फेस में मैं अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हो. मैं इसको अपनी पूरी फेस पे अप्लाई कर लूँगी, और फिर इसको ब्लेंड कर लूँगी. आप एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. अब मैंने सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लिया है, आप लोग देख सकते हो. मेरा जो फाउंडेशन कंसीलर था वो ब्लेंड हो चुका है. अब मैं सबसे इस पे जो कंटूर वाला शेड है लाइक डार्क ब्राउन कलर का, उसको पिक करी, और मैं अपनी नोज़ को और अपनी फेस को थोड़ा बहुत कंटूर कर लूँगी, और ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड भी करती जाऊँगी. ये हमारा स्पाइसी लुक है, तो कंटूरिंग तो थोड़ा बहुत हमें करनी ही पड़ेगी.
सो या मैं अच्छी तरीके से अपनी पूरी फेस को कंट्रोल कर लूँ. अब आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा करेक्टर वाला कंसीलर टाइप का एक शेड है मैंने पिक किया है और उसको मैं अपनी आई लिड्स पे एज अ आई प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और अपनी पूरी आई लिड्स पे इसको मैं अच्छी तरीके से अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी ताकि मेरी आईज़ की आई लिड्स के ऊपर जो भी सारी डार्कनेस है वो हाइड हो जाए. आप लोग देख सकते हो मैं अच्छी तरीके से आई लिड्स के ऊपर आई प्राइमर को लाइक जो मैंने पिक किया था उसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ. अब मैं वही सेम कंटूर वाला ब्राउन कलर को ले रही हूँ और अपनी आई लिड्स पे इसको अप्लाई करूँगी. इसको अप्लाई करने के बाद मेरा आई लिड्स थोड़ा सा डिफाइन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डार्क कलर तो नहीं आएगा. आप लोग कह सकते हो कि एज अ ट्रांजिशन शेड मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. तो आप लोग देख सकते हो पहले जो ब्राउन कलर में यूज़ कर रही थी उसे उतना ज़्यादा कलर नहीं आ रहा था, तो अब मैं एक येलो करेक्टर टाइप का कुछ शेड था उसके साथ ब्राउन को मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ. आप लोग देख सकते हो इससे पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक कलर एक टोन आ रहा है, तो मैं वही कर रही हूँ और इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाइक एक ट्रांजिशन शेड हमारा अच्छे से क्रिएट हो जा रहा है जैसे कि आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स. एक इन दोनों का मिक्सचर से काफ़ी अच्छा एक यू नो हाइलाइटिंग वाला हाइलाइटिंग तो नहीं एक काफ़ी डिफाइन होने वाला एक कलर क्रिएट हो चुका है. कह सकते हो मेरा जो फेस है वो काफ़ी फीका फीका सा लग रहा है. हाँ गाइस अब मैं इसको ऐड करूँगी ब्लश और मैं यहाँ पे जो लिपस्टिक यूज़ कर रही थी जो यहाँ पे हिलारी हुडा का बुलेट लिपस्टिक है क्रियॉन है उसको अप्लाई कर रही हूँ. उसको मैं थोड़ा बहुत अपनी आई लिड्स पे भी कलर ऐड करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ. मैं अपनी नोज़ पे भी थोड़ा बहुत अप्लाई किया है और ब्लश की तरीके से भी मैंने इसको अप्लाई किया है. अब मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी ताकि मेरी जो ये फेस है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद लग रहा था उस पर थोड़ा सा कलर ऐड हो जाए क्योंकि स्पाइसी मेकअप लुक है तो थोड़ा बहुत कलरफुल तो करना ही पड़ेगा. बट एट द सेम टाइम ये एक मेकअप चैलेंज भी है जिसमें हम लोग सिर्फ टू मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं. सो या ये भी हमको अच्छे से ध्यान रखना है. तो मैं सबसे पहले लिपस्टिक को अप्लाई कर रही हूँ. तो मैंने लिपस्टिक को भी अप्लाई कर लिया है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो. अभी मैं थोड़ा सा हाइलाइटिंग वाला एक शेड जो आता है उसको ले रही हूँ और उसको अपनी नोज़ ब्रिज पे और जहाँ पे भी हाइलाइटर हम अप्लाई करते हैं वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ और हाइलाइटर की तरीके से इसको अप्लाई करके मैं ब्लेंड कर लूँगी. जो हाइलाइटर वाला शेड मैंने अप्लाई किया था उसी को मैं आई ब्रश की हेल्प से लेके अपनी लोअर आई लिड्स पे भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा इनर आई कॉर्नर जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट भी हो जाए और मेरा आई लुक को भी एक डिफरेंट लुक में दे सकूँ. तो आप लोग देख सकते हो मैं अच्छी तरीके से इसको अपनी लोअर आई लिड्स पे अप्लाई कर ली हूँ. अब मैं इसको अपनी अपर आई लिड्स पे अपनी इनर आई कॉर्नर की पास इसको अप्लाई कर रही हूँ ज़्यादा करके. जैसा कि आप लोग देख रहे हो मैं पूरी आई लिड्स पे नहीं जा रही हूँ, इनर आई कॉर्नर को मैं से स्टार्ट करके हाफ आई लिड तक जा रही हूँ इस कंसीलर वाला सॉरी ये हाईलाइटर वाला शेड को. एंड देन जो आउटर वी पोर्शन है उसमें मैं लिपस्टिक को दोबारा से अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा डिफाइन हो जाए. अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. कंटूर वाला जो डार्क ब्राउन कलर का शेड है उसी को लूँगी और उसको लेके मैं अपने आईब्रोज को भी फिल कर लूँगी जैसा कि आप लोग देख रहे हो ताकि मेरा जो आई लुक है वो बिल्कुल भी कंप्लीट हो जाए. स्पूली की हेल्प से मैं इसको अच्छे से कॉम कर लूँगी और सेट कर लूँगी. सो गाइज दिस इज़ माई स्पाइसी मेकअप लुक विथ ओनली यूजिंग टू मेकअप प्रोडक्ट्स. सो या दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज. आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करना कि आपको कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा लगा.